चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन है 13 वन। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आसपास घूम रहे हैं। देखो ये जो एप्लीकेशन है ना बच्चों, ये जो एप्लीकेशन वो क्या दिखा रहे हैं वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एडिशन का रिलेशन है, उसको सिर्फ यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस दो क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, यहाँ पे एडिशन का रिलेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है और उसको सिर्फ यूज करके आपको LHS टू RHS निकालना है। सो पार्ट ऑफ दिस मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूं LHS 1+10A इंटू 1+10B। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो कि मेरे पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है जो कौन सा है, a+b=π/4। मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ मैंने बोला कि रिलेशन एडिशन का है, लेकिन कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें से a या b, पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट, ये दो नंबर का एडिशन पाई बाई फोर हो रहा है, तो यहां से दो में से किसी भी एक नंबर की वैल्यू निकालो। मीन्स योर b इज ऑफ द टाइप पाई बाई फोर माइनस है। अगर आप लोग चाहे तो a को भी ऐसा लिख सकते कि a=π/4-b। अब ये जो वैल्यू है वो मैं LHS के डेटा में लगा देता हूं, मतलब b को हटा के मैं लगा देता हूं पाई बाई फोर माइनस ए। क्यों ऐसा करना पड़ा कि आप पूरी टर्म एक ही नंबर में ए में या पाई बाई फोर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि RHS में सिंपल क्या चाहिए, टू। मीन्स डेटा कम करते जाना है आपको। अब आगे बढ़ने के लिए 1+10A इज नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा चलेगा, तो पाई बाई फोर को एक्स मानो और ए को क्या मानेंगे वाई। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा 10x-y। तो रिगार्डिंग टू दिस 10π/4 - 10a/1+10π/4 × 10a। अब आगे बढ़ने के लिए 1+10a पाई बाई फोर माइनस ए 10x-y का फॉर्मूला। अब 10π/4 1 10a, अब 10π/4 1 1 × 10a क्या होगा 10a। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 1+10a 1+10a LCM ले लो, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1+10a 1 - 10a डिवाइडेड बाय 1+10a। अब मैं जितना समझ रहा हूं वहां तक, 1+10a ये कैंसिल हो जाएगा, 1+10a कैंसिल और -+10a कैंसिल। अगर बच्चे आप लोग ठीक से देखेंगे तो रिमेनिंग क्या रहता है, रहता क्या है आपके पास, ये कैंसिल, तो रह जाता है ये 1+1 वो निकल के क्या आएगा 2, एंड दैट इज सेम एज योर RHS। वही तो चाहिए था कि सिर्फ कांस्टेंट डेवलप करना, इसके लिए मैंने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया। और अगर एक ही वेरिएबल मतलब ए वाली टर्म से होगा तो अपने आप ये सारी टर्म कुछ मतलब जरूरी कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ बचेगी क्या, तो कांस्टेंट टर्म, वही हुआ यहाँ पे और ये आंसर मिल जाता है 2। देख लो, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस, क्वेश्चन नंबर होगा 14। इफ a-b=π/4, देन प्रूव दैट 1+10a × 1-10b=2। ठीक है, एक बार बच्चों क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूं।
पहले चेस वन प्लस टेन है इनटू वन माइनस टेन भी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन से वापिस एक बार कंपैरिजन होगी तो बच्चों प्रीवियस में एडिशन का रिलेशन था और यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि कन्वीनियंसी के लिए हम लोग मतलब प्लस माइनस के साइड में ज्यादातर हम लोग प्लस प्रेफर करते हैं, तो सिर्फ मैं बी को साइड चेंज करूंगा तो उससे मैं किसके वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, ए की। मैंने वैल्यू किसकी जनरेट की, ए की। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास जो एल एच एस है उसमें ए की वैल्यू लगा दो पाई बाई फोर प्लस बी। ए की वैल्यू क्या लगाएंगे, पाई बाई फोर प्लस बी। तो अब बच्चों मेरे पास जो निकल के आएगा वो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई। रिमेंबर प्लीज पाई बाई फोर इज योर एक्स, बी इज योर वाई, तो वन प्लस टेन एक्स वन टेन मतलब टेन पाई बाई फोर प्लस टेन पाई टेन पाई बाई फोर प्लस टेन बी। मैं रिपीट पार्डन प्लीज, पाई बाई फोर को क्या मान लो एक्स और बी को क्या मान लो वाई, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। मैं बोल रहा हूं एक्स और वाई, लेकिन मेरे केस में एक्स क्या है पाई बाई फोर और बी क्या है वाई, तो इंटू वन माइनस टेन बी। अब बच्चों टेन पाई बाई फोर मैंने वैल्यूज इसके लिए ही प्रैक्टिस करवाई थी, वन प्लस टेन बी वन माइनस टेन बी वाई, टेन पाई बाई फोर वन, वन प्लस टेन बी टेन पाई बाई फोर वन इंटू टेन बी इज टेन बी, दिस इज वन माइनस टेन बी। 1 माइनस टेन बी एलसीएम ले लो, वन माइनस टेन बी एलसीएम ले लो तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस टेन बी, 1 माइनस टेन बी कैंसल। आप लोग क्लियर देख सकते हो 1 माइनस टेन बी, 1 माइनस टेन बी। दूसरा ये दो नंबर टेन बी कैंसल, तो रिमेनिंग क्या होगा 1, रिमेनिंग वन, तो ये वन और ये वन इक्वल्स टू टू एंड दैट इज सेम एज योर एच एस। देख लो